और किसानों को एक जो दिशा मिला, रास्ता मिला है कि हमारा अस्मिता कैसे बचे, जो कॉर्पोरेट घरानों से हम कैसे बचेंगे, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और जब तक तीन कलर कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और भाकपा माला इसके साथ रहेगा। नमस्कार, मैं दिलशाद और आप देख रहे हैं इंडिपेंडेंट नेटवर्क न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद है कौवाकोल प्रखंड के भाकपा माले के सचिव, और उनसे हम बात करेंगे जो हिंदुस्तान में चल रहे किसान आंदोलन, किसान आंदोलन उनके बारे में जानेंगे कि ये किसान आंदोलन क्यों चल रहा है, उसके पीछे कारण क्या है और इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान होने वाला। तो सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। सर, हम ये आज आपसे जानना चाहेंगे कि जो हिंदुस्तान में किसान आंदोलन जो चल रहा है, किसान पूरे जो है भारी मात्रा में रोड पे आए हुए हैं, तो वो क्यों आए हुए हैं? वो इसलिए आए हुए हैं कि आज हमारे देश में तीन कृषि कानून, जो काला कानून जो लाया गया है, यह सबसे पहले तो किसानों से बगैर पूछे हुए लाया गया संसद में, और अनन फनन में इसको एक कानून के तौर पर कन्वर्ट भी कर दिया गया। और इससे मतलब किसान जो है, आज पूरे देश के किसान आज इसके आंदोलनरत हो रहे हैं। प्रखंड सचिव होने के नाते इसके आगे क्या कदम उठा रहे हैं आप? देखिए, हमारा भाकपा माले का राज्य स्तरीय कार्यक्रम पूरे बिहार में, हम लोग 8 दिन तक मतलब कि गांव-गांव जाकर के किसानों को तीन काला कानून के संबंध में बताए, और पार्टी के आह्वान पर हम लोग कल 29 तारीख को मतलब कि राजभवन मार्च है, और हम लोग यहाँ से 2 बस हम लोग रिजर्व किए हैं और सैकड़ों किसानों को ले जा करके हम लोग राजभवन मार्च में हम शामिल करेंगे। और किसानों को एक जो दिशा मिला, रास्ता मिला है कि हमारा अस्मिता कैसे बचे, जो कॉर्पोरेट घरानों से हम कैसे बचेंगे, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। और जब तक तीन कलर कानून वापस नहीं होगा, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगा और भाकपा माला इसके साथ रहेगा। चलिए, अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मोदी जी जो तीन काला कानून जो कह रहे हैं आप कि तीन काला कानून लाए हैं, तो मोदी जी बता रहे हैं कि वो तीन जो किसान का बिल आया उससे ये किसानों को फायदा होगा, लेकिन जो लोग अभी रोड पे आए हुए हैं तो बोले नुकसान होगा। तो इसको हमारे जो दर्शक है जो देख रहे हैं, आप इनको बताएं कि तीन काला कानून है क्या और क्या क्या है। देखिए, मोदी जी तो पूरा प्रचार तंत्र लगाए हुए हैं कि मतलब ये कानून जो है वो किसानों के हित में है। मैं ज़्यादा नहीं, मैं कौवाकोल प्रखंड की बात में करना चाहता हूँ कि अभी किसानों का जो धान है वो एक भी कौवाकोल ब्लॉक के प्रखंड में कहीं भी क्रय केंद्र नहीं खुला हुआ है जो धान किसान को बिके और उसको उचित मूल्य मिले, ये तो हम नहीं देख रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम लोग को ही लड़ना पड़ेगा सड़क पर, और तभी किसानों को यहाँ पे हक मिल पाएगा। इसलिए तो इससे फायदा अगर है तो कोई भी किसान कौवाकोल के प्रखंड से आप मतलब कि किसानों से आप पूछ लीजिए कि उसको क्या फायदा हो रहा है, क्योंकि यहाँ जो एक समर्थन न्यूनतम मूल्य का जो गारंटी होना चाहिए, इसका तो 2006 में नीतीश कुमार जी मतलब कि खत्म कर दिए, तो बताइए यहाँ बिहार के किसानों को कैसे फायदा होगा, हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये तीन जो बिल आया है सर, तीन बिल आया है, ये तीनों बिल को सिर्फ डिफाइन कीजिए। तो ये तो आपका मांग रहा कि कौवाकोल में भी एक कृषि केंद्र होनी चाहिए जहाँ से किसान जो आसानी से अपने अनाज को बेच सके और खाद सामग्री को खरीद सके, ये तो आपकी मांग हुई। लेकिन ये तीन बिल के बारे में जो है आप ये बताएं। तीन बिल देखिए, सबसे पहले इसमें तो है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट घराना अडानी अबानी, इसका आपका हरियाणा में पंजाब में बड़े बड़े मतलब कि ये हॉल बना चुके हैं, यानी जितना भी पूरे देश में किसानों का जो अनाज है वो खरीद करके भंडारण कर देंगे, समझ गए ना। अब भंडारण जब कर देंगे तो मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, और फिर वो मतलब कि एक तेजी भाव में बेचने का वो काम करेंगे। तो बताइए, इससे मतलब किसान तो मरेगा, इसके साथ साथ मजदूर भी मरेगा, और इससे क्या होगा कि जब सरकारी रेट में किसान का अनाज नहीं खरीदा जाएगा तो आप जान लीजिए कि मजदूर को जो राशन कार्ड पे जो अनाज मिलता है वो भी मिलना बंद हो जाएगा, और इससे सोचिए कि मतलब किसान के साथ साथ मजदूर को भी मरना पड़ेगा। अच्छा, ये एक बिल हुआ और, जी और है कि इसमें देखिए कि आप मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे बिहार में खास करके आप देखिए कि मतलब तीन किल मतलब पहले जो हम लोग को सुविधा मिलता था खाद का, बीज का, उन्नत मतलब पटाई का सीजन जो सुविधा मिलता था, तो ये सब सारा चीज़ क्या होगा कि कॉर्पोरेट घरानों के ऊपर निर्भर हो जाएगा, और वो जो चाहेगा जैसे चाहेगा खेती करवाएगा। तो हमारा खेती जो हमारा मालिकाना जो हक खेती पे है वो खत्म हो जाएगा, ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर क्या है कि मतलब हम जो मतलब आज किसानी कर रहे हैं, किसान का बेटा जो आज जो किसान नहीं बनना चाह रहा है, वो मतलब किसानी छोड़ के भाग रहा है, तो कल हम जो भी किसान है वो कल हम ही खुद मजदूर हो जाएंगे, खुद मजदूर हो जाएंगे, तो समझ लिए कि हम तो एकदम कॉर्पोरेट का गुलाम हो जाएंगे, यानी हमारा कोई अस्मिता नहीं बचेगा। अच्छा, ये है
आप इस वक्त कल जो है राजभवन के नजदीक जो है जी, वहाँ पे मार्च निकाला जाएगा, तो आप किसानों को क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों को कहना चाहेंगे कौयाकोल ब्लॉक में हम लोग जो गांव-गांव में जाकर के दौरा किए हैं, गांव में जो प्रचार किए हैं, हम तो कहेंगे कि हजारों हजार की संख्या में कल किसान चले और अपना दावेदारी को मजबूत करें वहाँ पटना में, कि जिसमें यहाँ का नीतीश कुमार को भी ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि यहाँ जो हम 2006 में जो कृषि कानून मतलब संविधान उनका जो आज खत्म कर दिए थे उसको वापस बहाल करें और हम किसानों का मतलब कि धान उचित मूल्य पर जो खरीदारी हो, जो सरकारी ट्रेड पर खरीदारी हो और उससे हम अपना परिवार का भरण पोषण कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आप हमारा चैनल YouTube पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। धन्यवाद।